हम है डोली अरमानों की के सेट पर, मेरे साथ है सम्राट। सम्राट, क्या सीन चल रहा है बताइए। आज जो आपने देखा ये सीन इज़ अबाउट मैं शौर्य को, जैसे आप देखते हैं स्टोरी में क्या अभी चल रहा है, स्टोरी में ये चल रहा है कि मैं शौर्य को अपनी तरफ फुसला रहा हूँ, उसका ब्रेन वॉश कर रहा हूँ कि पापा अच्छे हैं और मम्मी ख़राब हैं, ताकि वो मम्मी को छोड़ के मेरे पास आ जाए, और जब वो मेरे पास आएगा तो इवेंचुअली मम्मा भी मेरे पास आ जाएंगी, बिकॉज आई नो दैट मम्मा लव्स हिम सो मच। सो दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ माई मोटो नाउ, राइट नाउ सम्राट्स मोटो। तो उसी के चक्कर में वो अपने बेटे को बस अपने ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है, उसको मनाने में लगा हुआ है, उसको घुमाता फिराता है, उसको मूवीज़ दिखाता है, उसको चॉकलेट्स खिलाता है, उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने लेके जाता है। तो दैट इज व्हाट ही इज बीन डूइंग। मोहित की बात करें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल है, यू नो वी गेट कमेंट्स के सम्राट को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनमें को ये करना चाहिए एंड ऑल दैट, तो उन कमेंट्स को कैसे लेते हो आप एज एन एक्टर? सी ये तो है कि लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि ये क्या कर रहा है, व्हाट इज़ ही डूइंग विद हिज वाइफ, बट मैं समझता हूँ कि एक तरह से तो अच्छा है, क्योंकि लोग एक्चुअली बिलीव करते हैं कि यू नो कि ऐसा हो रहा है एंड इतना दिल से ले लेते हैं। बट स्ट्रेंजली व्हाट इज़ हैपनिंग आई टेल यू, 20% लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, और मुझे मेल्स बहुत करते हैं और मैसेजेस करते हैं कि हम सर फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, व्हाट आर यू डूइंग, एंड यू नो वेरी एक्चुअली आई गेट सो बैड मैसेजेस। 20% ऑफ द पीपल आई लाइक, बट स्ट्रेंजली द पॉइंट इज 80% आज के दौर में लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली मुझे कहते हैं कि बेटा आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो। इवन फॉर दैट मैटर आई जस्ट वेंट फॉर अ जॉग द अदर डे, तो एक आंटी थी जॉगिंग कर रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे पकड़ के बोला बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत नेचुरल काम करते हो, मतलब आई फील सो हैप्पी यू नो कि दीज पीपल आर ऑल्सो ग्रोइंग, पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड नाउ कि वॉट इज एक्टिंग एंड देर इज अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन एक्टिंग, देर इज अ कैरेक्टर विच वी प्ले एंड वी आर एक्टर्स, सो यू नो तो ऐसा पर्सनल होने की जरूरत नहीं होती। जैसे कई लोग पर्सनल हो जाते हैं, पीपल मुझे मैसेज करते हैं वो पर्सनल होकर करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, कैसे कर दोगे सर, फोड़ देंगे यहाँ, बैन हो जाओगे तुम तो यू नो तो मैं ये कहना दिस इज सच अ गुड थिंग कि 80% लोग ऐसे हो गए हैं कि यू नो दे अंडरस्टैंड द क्राफ्ट। यानी मोहित और सम्राट दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है, तो कितना वैसे डिफिकल्ट रहा आपके लिए टू प्ले सम्राट ऑन स्क्रीन? It's been a difficult thing. I think every character is a difficult thing, but this one actually, I really worked hard for it, to be very frank, in the beginning. But now, as आप करते जाते हो, तो it becomes an ease कि आप easily आके you know you can do it. But फिर भी मतलब मैं कहूँगा कि मैं अभी भी मैं जब रोज़ आता हूँ, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो मैं मुझे लगता है कि मैं कैसे करूँगा, मैं 5 मिनट तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, देन आई 5 मिनट के लिए मैं सदमे में होता हूँ कि यार मैं ये क्या है, ये कौन है, हाउ विल आई डू दिस, बट स्टिल देन मैं अपने आप को देन आई यू नो गेट दोज कैरेक्टर्स एंड देन आई यू नो ड्वेल इनटू द कैरेक्टर। सो ये अभी भी होता है, दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ बिकॉज ही टॉक्स डिफरेंटली, ही इज़ फनी, ही हैज़ अ ह्यूमर ऑल्सो यू नो विच पीपल लाइक, यू नो द वे ही टॉक्स एंड द काइंड ऑफ वर्ड्स ही यूज, द काइंड ऑफ डायलॉग्स, you know, so Samrat is totally a different character, there's a mosquito, yeah, gone, so it's a totally a different ball game completely, matlab I have to do a lot of stuff, aur mujhe bahut mehnat karni padti hai ghar pe jaake cut off karne ke liye, kyunki aise matlab abhi to jaise aaj thoda eased out scene tha, but normally kya hota hai, I'm in a day I'm in 4 scenes, I'm shouting and I'm fighting with everyone, I'm fighting with my brother, I'm fighting with Urmi, I'm fighting with my mom, I'm fighting with my dad. If सबसे मतलब लगा ही हुआ है, सबसे सड़ता रहता है और गालियाँ देता रहता है और डांटता रहता है. So you know it does takes a toll on you end of the day. So I try my best कि मैं उसको कट ऑफ करूँ और अच्छे से यू नो भाई, क्योंकि बीच में it does you know affect मेरी health पे effect हो गया. So now अभी थोड़ा सा ease out. अभी छोटे पर्दे पर तो you've become you know you've done it all, ऐसा कहे तो ठीक होगा, तो any plans for big screen to do films? I want to work hard, I want to play different characters and I love the craft, so why not, every field जो भी TV हो, films हो, anything, आई एम नॉट लुकिंग कि यार मैं फिल्म करना चाहता हूँ और मैं टी वी छोड़ना चाहता हूँ, नहीं, टी वी आई डोंट वॉन्ट टू लीव, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पेड प्रैक्टिस, आपको पैसे भी मिलते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी होती है, सो आई टेक इट लाइक दैट, एंड फिल्म ऑब्वियसली डिफरेंट बॉल गेम, अगेन यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्ले कैरेक्टर, यू टू वर्क ऑन द कैरेक्टर्स, सो इट इज़ ऑब्वियसली बेटर, बट अगेन यू नो टी वी एक डिफरेंट गेम है और उसके अलग रूल्स हैं, और वो आप
सोच के ही आते हो कि यार मुझे ऐसा करना ही है, तो यू हैव टू बिकम अ स्मार्ट एक्टर. आपको टीवी के हिसाब से भी अपने आपको मैनेज करना पड़ता है, और आई थिंक फिल्म्स करूँगा तो आई विल मैनेज माई सेल्फ देयर आल्सो. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. थैंक यू सो मच. कैमरामैन फैजान के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला. हाई, माई नेम इज़ मोहित मलिक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू टेली मसाला.